लक्ष्मण लक्ष्मण भाई लक्ष्मण, ये तुम्हें क्या हुआ भाई लक्ष्मण? लक्ष्मण लक्ष्मण को बचाया जा सकता है मेरे भाई। हाँ कैसे, वो कैसे जमुवन? हिमालय के पार ऋषभ पर्वत है और ऋषभ पर्वत के पार कैलाश पर्वत, उस पर्वत पर विषर्णी पौधा है, उसके रस से लक्ष्मण बच जाएंगे। परंतु विषहरणी पौधे को ना पहचान पाने के कारण हनुमान ने विशाल पर्वत खंड को ही उठा कर ले आए। उस पर्वत खंड से जंबुवन ने विषहरणी पत्ते का रस निकालकर लक्ष्मण को पिलाकर उनकी जान बचाई। लक्ष्मण जीवित होकर सबके सामने खड़े हो गए। सारा वातावरण जय ध्वनि से गूंज उठा। मेघनाथ पिता, तुम बादलों में छिपकर फिर से युद्ध करो जाओ। किंतु पिता, निकुम बिना यज्ञ किए बिना बादलों में छुपकर युद्ध नहीं कर सकता। यज्ञ करके मैं आसमान से राम लक्ष्मण हनुमान जंबुवन सबको मार डालूंगा। मेरा अब कोई नहीं रहा, कोई नहीं, मेरा पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ को भी मार डाला। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे पुत्र का वध किया है। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं सीता का वध करूंगा। लंकाराज, आप वीर हैं, योद्धा हैं, आप अमर हैं। सीता का वध करना आपके लिए पाप है। राम लक्ष्मण आपका शत्रु है, आप उसका वध कीजिए। विभीषण, अरे शत्रु विभीषण, तू मेरे विरुद्ध युद्ध कर रहा है, सबसे पहले तेरा वध करूंगा। रावण ने विभीषण को मारने के लिए मृत्यु बाण चलाया, परंतु लक्ष्मण ने अपने बाण से उसे निष्क्रिय कर दिया। Ha 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 ha
लंकापति रावण इस बार सचमुच मारा गया। मेरे भैया की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी प्रभु। मेरे भैया वीर थे परंतु विभीषण, तुम्हारी मदद के बिना मैं ये युद्ध कभी भी नहीं जीत सकता था। तुम्हारा ये सहयोग सभी याद रखेंगे। लंका सिंहासन खाली है विभीषण, आज से तुम यहां के राजा हुए प्रभु। और लंका के सिंहासन पर विभीषण विराजमान हुए और उधर अशोक वाटिका में सीता से मिलने गए हनुमान। माता, युद्ध में हमारी जीत हुई है। राक्षस राजा रावण मारा गया, प्रभु ने दंड दिया। सच? लंकापति रावण मारा गया? मैं तुम्हें क्या पुरस्कार दूं वीर हनुमान? माता, आप सुखी रहिए, मैं समझूंगा मेरा पुरस्कार मिल गया। प्रभु? हाँ सीता, इतने दिनों से तुम रावण के अधीन थी। मैंने अपना धर्म निभाया, मैंने तुम्हारा उद्धार किया, परंतु आप ये क्या कह रहे हैं प्रभु? इतने दिन तुम दुष्ट रावण के अधीन थी, तुम वहां कैसे रही मुझे कुछ नहीं पता। इस हाल में मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभु, ऐसा मत कहिए प्रभु। मैं ये कैसे समझूं कि तुम आज भी पवित्र हो सीता? प्रभु, आपके मुख से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती है प्रभु। ठीक है, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती। अगर मैं सच में खलिंगनी हूँ तो आग में भस्म हो जाऊंगी। लक्ष्मण, तुम अग्निवेदी तैयार करो। रामचंद्र, अग्निदेव, सीता जैसी पवित्र नारी और कोई नहीं है। सीता की आत्मा और शरीर में कण मात्र भी पाप होता तो मैं इसे भस्म कर देता। सीता पवित्र है। तुम्हारे जीवन की ये पहली भूल है रामचंद्र, पहली भूल है। तुम सीता को स्वीकार करो, स्वीकार करो रामचंद्र, स्वीकार करो। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा अग्निदेव। चौदह वर्ष वनवास के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता को देखकर राम, राम, राम और एक बार फिर से अयोध्या नगरी जगमगा उठी।